मैं उस्मान चौधरी कराची से बात कर रहा हूँ। तो ये न्यूज में क्या आया हुआ है, राजा साहब की प्लास्टिक को नीलाम किया गया? एक मिनट, कराची का नंबर है आपका ये? हाँ कराची। तो पता किस न्यूज के बारे में पूछो चौधरी साहब? ये जो राजा साहब की प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया, हाँ। तो ये मुझे लगता है ये लोग 1993 भूल चुके हैं, दोबारा याद न दिलाना पड़े। अच्छा, अब आज तो जो प्रोसेस हुआ है उसमें 3 प्रॉपर्टीज SBT ने खरीद लिया है, कुछ तकरीबन 11 करोड़ रुपए देकर। वो ऐसा है, वो अगर उसने प्रॉपर्टी मतलब वो शबनम गेस्ट हाउस और दिल्ली जायका ने ऑन किया, हाँ। तो जान से जाएगी जाएगा, उसके साथ से गुनाह लोग भी जाएंगे। मुझे लगता है 1993 फिर याद दिलाना पड़ेगा, अगर इस बार याद दिलाए तो पूरा हिंदुस्तान याद करेगा। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा कि इस प्रॉपर्टी की नीलामी हुई थी? नहीं, ये मैं राजा साहब के यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो ये आप न्यूज में क्या दिखाते हैं, वो मोदी, वो क्या राजा साहब उससे डरते हैं? वो 10 बार भी जन्म दे के आए तो राजा साहब का बाल भी नहीं बाका कर सकता। चौधरी साहब, राजा साहब कौन है? राजा साहब दौड़भाई। दौड़भाई? दौड़भाई। अच्छा, तो मतलब उनका क्या, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि उनकी प्रॉपर्टीज बिक गई है, सरकार ने SBT के हाथ में दे दिया है? अगर ये प्रॉपर्टी ऑन हुई ना, अगर ये किसी ने खोला इसको, दिल्ली जायका और शबनम गैस हाउस, वो तो जान से जाएगी जाएगा ना, उसके साथ बेगुनाह लोग भी चले जाएंगे। अब ये सरकार को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, तो क्या सरकार को क्या कहना चाहते हैं? नहीं दे रहे हैं, अगर इस बार हमने 1993 दोबारा याद दिलाया तो पूरा हिंदुस्तान याद करेगा। सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? आप सरकार, ये आप लोग न्यूज में क्या दिखाते हैं, ये राजा साहब इस मोदी से डर गए हैं? ये 10 बार भी जन्म ले गया है ना, तो राजा साहब का बाल भी नहीं बांका कर सकता। अच्छा, अभी सरकार को खुद देखना है वो क्या करेगी। अगर हमारे खिलाफ कुछ भी हुआ, अगर वो प्राप्ति ऑन होती है, वो तो सरकार इसकी जिम्मेवार है, अगर वहाँ पे कुछ भी हो, ब्लास्ट हो, जो कुछ भी हो। अच्छा, नहीं लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टीज बिक गई है तो आप वहाँ से एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो तो होगा ना, जो इसको ऑन करेगा प्रॉपर्टी को, हाँ। जान से चला जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो भी गुनाह लोग चले जाएंगे ना, उसके साथ जो भी गुनाह लोग मरेंगे ब्लास्ट में, वो तो हुकूमत उसकी होगी, ये हमारा मसला नहीं है। चौधरी साहब, हमने जब चौधरी साहब, ये SBT तो मतलब टोटल एक बिंदी बाजार का ही तो संस्था है ना, जो आपके बिंदी बाजार को रीडेवलप करने में लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे ही है वो शबनम गैस हाउस, और वो हमको नहीं चाहिए। मतलब उसको जिसने खोला वो तो जान से चला जाएगा, अगर जो भी लोग लास्ट में गए उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। अब जो होगा वो पूरा हिंदुस्तान याद करेगा। तो चौधरी साहब अब उनके लिए काम करते हैं, राजा साहब के लिए? राजा साहब के लिए, हाँ, राजा साहब के लिए हम काम करते हैं, और इसके लिए हमने बस बता दिया, हमने बस ये आपको खबर देनी थी, ये हो गई है। आपको नंबर कहाँ से मिला है मेरा नंबर? जब हम इतने काम कर सकते हैं, ब्लास्ट करवा सकते हैं, नंबर क्या चीज है? अच्छा अच्छा, तो हमारे पास तो मोदी का भी नंबर है। तो अभी मुझे एक आखिरी चीज पता चाहिए साहब, अभी तो प्रॉपर्टी तो खैर SBT के नाम पे हो गई है, और SBT भी शायद भिंडी बाजार में ही अच्छा काम करने की तैयारी कर दी है, मतलब वहीं के लोगों को रीडेवलप करने में काम लगी हुई, तो उसमें उनकी गलती क्या है? तो अच्छे काम करेंगे ना? तो नहीं नहीं, अच्छे करे या बुरे करे उससे हमारा मतलब नहीं है, अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे ऑन हुई तो वो तो जिम्मेवार सरकार होगी, जो आगे काम होगा वो सरकार जिम्मेवार, ये हमारा नहीं। हमने न्यूज आपको देनी थी, दे दिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।